हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज एक आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आपका, यूज द नंबर 9 एंड राइट द इंटीजर्स आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। ठीक है, हमें नंबर 9 बनाना है और जो ऑपरेशन है उसे करना है। क्या है वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी
ज़्यादा है, 10 वन ज़्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव जो होती है वो आपकी क्या होती है, ग्रेटर होती है निगेटिव से। प्लस वन यहाँ है तो ये आपकी ग्रेटर है, यानी कि ये राइट साइड में है। तो यहाँ पे आंसर क्या आपका, 10 वन। बी है 7-8, इसमें एक पॉजिटिव है एक निगेटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा ग्रेटर होता है और वो ग्रेटर वैल्यू जो होती है हमेशा राइट साइड में होती है, तो 7 होगा आपका राइट। 3 and 0, और देखिए इसमें कौन सी ग्रेटर है, 3 है, 3 आपकी राइट साइड में होगा। यहाँ देखिए -15 -5 है, -15 इसमें कौन सी ग्रेटर वैल्यू है, देखिए इसमें आपकी ग्रेटर कौन सी है, -5 है, -15 उससे कम है, तो ये हमारा -5 कहाँ होगा, राइट साइड में होगा ना। नंबर लाइन आप नीचे में देखिए, -5 कहाँ पे है, -5 हमारा यहाँ पे है, और -15 किधर होगा, इस साइड में होगा, तो ये आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है -15, और इसके राइट साइड में -5 है, तो -5 आपका राइट में होगा। 19 है और -20, ये पॉजिटिव टीचर है 19, ऑब्वियसली वो राइट साइड में ही होगा। 20 and 25, अब इसमें देखिए ग्रेटर कौन सी है, 25 है, 20 से ज़्यादा होती है 25, तो 25 आपके राइट साइड में होगा। ठीक है, आपको बस लिखना है समझ के कि कौन सा राइट साइड में है नंबर लाइन में। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर 14, राइट 8 निगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। अब आपको 8 निगेटिव इंटीजर्स लिखना है जो -20 से बड़ा। Yeah.
एटलीस्ट में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 120 माइनस 122 नहीं, ऐड करेंगे तो ये और हमारा 120 हो जाएगा, नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है तो ये आपका एक पीछे ये वाली 120 हो जाएगा, सक्सेस है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, अपनी डिसीजन चाहिए। ओके, बाय बाय।